ये तो पूरा ही हो गया भाई। लिटरली ये ना लॉन्ग जर्नी के लिए मस्त है, एकदम बेड बन चुका है ये। सेविंग करने के बाद वो जो होता है ना आफ्टर सेव, वो भी है। बहुत कुछ है भाई, सब कुछ है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, और स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए व्लॉग में। टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा। हाँ जी, मैं अभी जा रहा हूँ श्रीलंका, वो भी श्रीलंकन एयरलाइन के बिजनेस क्लास से। तो मैंने टिकट बुक किया, उसके बाद ना इनका बिजनेस क्लास के लिए एक बिट करने का ऑप्शन आता है, वो मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। श्रीलंकन एयरलाइन में अगर आपको बिजनेस क्लास में अपग्रेड करवाना है तो आप कैसे करवा सकते हो, सब कुछ मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी एक काम करते हैं, एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं, क्योंकि 10 बजे का हमारा डिपार्चर टाइम है। अभी ऑलरेडी 7 बज चुका है, कम से कम अगर इंटरनेशनल फ्लाइट है तो 4 घंटे पहले जाना चाहिए। लेकिन हाँ चलो, श्रीलंकन एयरलाइन में ना उतना रश होता नहीं है, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट करके ही जा रहे हैं। फिलहाल आज का वीडियो यही है, और हम लोग श्रीलंका किस लिए जा रहे हैं आपको ही पता है। फिलहाल अभी जाते हैं एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देख लो, मैं इसी होटल में था, होटल सदर्न कम्फर्ट है ये भाई, बढ़िया है, ठीक है। लोकेशन काफी अच्छा है, एयरपोर्ट के पास में। अभी जा रहे हैं हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना। चलो जी, अभी हम लोग निकल चुके हैं होटल से एयरपोर्ट के लिए। ज्यादा नहीं, यहाँ से जो एयरपोर्ट है ना 1.5 किलोमीटर है। ये हम लोगों ने होटल की तरफ से लिया है कैब, जो एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगा हमें। तो अभी हम लोग को जाना है T3 या T4 इंटरनेशनल टर्मिनल। मम्मी को कॉल कर देते पहले। लो जी, फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अन्ना इंटरनेशनल टर्मिनल 2, और यहाँ से अपना एंट्री होगा। अभी अंदर जाते हैं। देखो, अपना तो बिजनेस क्लास में आज बुकिंग है, तो अंदर का क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या फैसिलिटीज मिलता है हम लोगों को एज द बिजनेस क्लास पैसेंजर, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आपको इकोनॉमी क्लास वाला वीडियो सब देखना है तो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, जाके देख लेना, आई बटन में लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने श्रीलंका सीरीज का एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। ऑलराइट, तो अपने अंदर तो एंट्री हो चुका है, और ये अपना एयरलाइन है, देख लो, UL0122। सेम फ्लाइट से मैं गया था, मुझे याद है लास्ट टाइम कोलंबो। अभी गेट थोड़ा सा दिखा रहा है, कंफ्यूजन है। कोई नहीं, चलो पहले तो अपना बोर्डिंग पास लेते हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं, तब आपको सारा डिटेल देंगे। यही है, देख लो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई का। ये न्यू एयरपोर्ट है बाय द वे, इसमें ज्यादा कुछ आपको मिलेगा नहीं अंदर, लेकिन जो भी है बढ़िया है। लो जी, अपने काउंटर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अपना एयर इंडिया का काउंटर है, यहाँ पे अपना श्रीलंकन एयरलाइन का, और अपना तो बिजनेस क्लास है तो लाइन लगाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट यहीं से एंट्री हो जाएगा अपना। फाइनली बोर्डिंग पास ले लिया हम लोगों ने, और एक चीज देख लो, बिजनेस क्लास का ये बोर्डिंग पास तो हमें मिला ही, साथ ही ना हमें ये लाउंज इनविटेशन भी मिल गया है फ्री में, एकदम मस्त। अभी खाना पीना भी खाएंगे, ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे, बढ़िया एकदम। चलो वो भी आपको दिखाएंगे। फाइनली अपना इमिग्रेशन डन, अब सिक्योरिटी चेक, चलो फटाफट वो भी कर लेते हैं। चलो जी, अपना सारा सिक्योरिटी चेक वगैरह हो गया डन, ये रहा अपना बोर्डिंग पास। अभी देख लो, हमारा जो गेट है ना वो नीचे के साइड में, लेकिन नीचे जाके अभी करना क्या है, अभी हमारा लाउंज में एक्सेस फ्री है क्योंकि हम बिजनेस क्लास पैसेंजर है, तो जाते हैं थर्ड फ्लोर में इनका। ये देख लो, वे टू लाउंज थर्ड फ्लोर, ये मेरे को नॉर्मल सा ही लाउंज लग रहा है, मुंबई वाला मस्त है अडानी लाउंज। तो अभी हमें थर्ड फ्लोर में जाना है, वैसे भी अपने फ्लाइट में भी टाइम है, अभी 7:46 हो रहा है, कम से कम 1 घंटे तो है अपने पास एक्स्ट्रा, मस्त अपना ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाएगा, खुल जा सिम सिम। और ये सेम अगर बिजनेस क्लास का टिकट मेरा कोलंबो से चेन्नई का होता ना, तो कोलंबो में मुझे श्रीलंकन एयरलाइन का लाउंज मिलता, वो तो और भी बढ़िया होता। खैर कोई बात नहीं, अभी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाउंज आपको दिखाते हैं। पूरा खाली है भाई, एकदम न्यू है ना, पूरा खाली खाली है। दिस वे, उस साइड में नीचे रश देख लो एक बार। अभी नो डाउट एयरपोर्ट तो काफी मस्त बनाया हुआ है, लेकिन ये नया है ना, इस एयरपोर्ट में आपको एटीएम नहीं मिलेगा, और दूसरा क्या है कि फूड कोर्ट का भी उतना ऑप्शन नहीं है, लाउंज मिल गया ये काफी बढ़िया हो गया। यही है देख लो, ट्रैवल क्लब लाउंज। हाँ जी, तो हमारा एंट्री हो चुका है लाउंज में। चलो जी, अभी हम लोग लाउंज से बाहर आ चुके हैं। ये जो पीछे देख रहे हो ना, तो ये बिजनेस क्लास सेक्शन है, ये लाइक नॉर्मल अगर आप आते हो तो वो वाला सेक्शन है। वैसे अंदर में ना रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था, मतलब मैं रिकॉर्ड करने गया, मेरे को मना कर दिया गया। खाने का ऑप्शन अच्छा खासा था, खाना भी काफी बढ़िया था, हमें फिल्टर कॉफी मिल गया, और क्या चाहिए। और एक चीज मैंने कन्फर्म किया, अंदर में जो अल्कोहल है ना वो अनलिमिटेड है, जिनको मतलब ऐसा ड्रिंक वगैरह चलता है उनके लिए तो भाई हेवन है ये जगह, लेकिन अपना काम फिल्टर कॉफी से ही हो गया, बाकी ये हमारे बिजनेस क्लास में इंक्लूड था। इसके अलावा थोड़ी देर में हमारा बोर्डिंग टाइम भी होने वाला है अभी, और खाना का टेस्ट भी बढ़िया था, सॉसेजेस वगैरह हम लोगों ने लिया था। मैंने देखा एयरपोर्ट के जो लाउंज सब में सॉसेजेस होता है ना वो एकदम बेकार सा होता है, मैक्सिमम फ्रोजन वाला होता है, लेकिन यहाँ लग रहा था फ्रेश इन्होंने बनाया है, बहुत बढ़िया लग रहा था। इसके अलावा और भी बहुत सारा ऑप्शन था, बाकी अब जाते हैं अपने गेट पे। हाँ जी, तो अभी हम लोग लाउंज से आ गए अपने बोर्डिंग गेट के पास। यहाँ से देख लो, ड्यूटी फ्री सेक्शन स्टार्ट हो गया है, ऑप्शन कम है यहाँ पे, क्योंकि मैं बताया आपको नया एयरपोर्ट है ना, तो ज्यादा ऑप्शन नहीं है। मेरे को यार मैग्नेट लेना था, लेकिन ये देख कर लग रहा है मेरे को यहाँ पे मिलेगा भी नहीं। एक्चुअली हमारे जो ड्राइवर है ना उनके लिए मुझे लेना था। चलो जी, अपना बोर्डिंग स्टार्ट तो हो गया है, और मैं देख पा रहा हूँ बिजनेस और इकोनॉमी सेम ही है, लेकिन हमारा एंट्री पहले ही हो गया। तो देख लो, ये इनका बिजनेस क्लास सेक्शन, बिजनेस क्लास फर्स्ट टाइम ना। हाँ जी, तो अभी हम लोग अपने सीट पे तो बैठ गए हैं, मैंने बताया आपको हमारा जो सीट है ना वो बिजनेस क्लास में अपग्रेड हो गया था,
तो बिजनेस क्लास का जो भाई सीट है वो एकदम ही डिफरेंट है। मतलब देख लो, मैं इससे पहले भी मैंने एयर इंडिया और विस्तारा के बिजनेस क्लास में मैंने जर्नी किया हुआ है, और एक स्टार एयर के बिजनेस क्लास में भी किया था मैंने जर्नी। लेकिन ये जो बिजनेस क्लास है ना, ये एकदम ही डिफरेंट है। एक तो इंटरनेशनल फ्लाइट है, और इसका जो सीट का लेआउट है ना, ये भी एकदम अलग है। मतलब इनका सीट का कॉन्फ़िगरेशन पता है क्या है, 1/2/1 ऐसा करके। विंडो साइड में एक एक करके सीट है, मिडिल में 2 सीट है, फिर उस वाले विंडो में एक एक सीट है, ऐसा करके है। इसलिए मैंने आगे पीछे करके ले लिया, ताकि लवली को भी विंडो मिल जाए, मेरे को भी मिल जाए। वो पीछे बैठ गया भाई। एक्चुअली आपको सामने की तरफ ही स्क्रीन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे देख लो पुश का ऑप्शन बना हुआ है ना, ये देखो जैसे पुश करोगे ये आ जाएगा आपके सामने। फाइनली अभी जाके थोड़ा साउंड इसका कम हुआ है, तो वही देख लो इतना बड़ा स्क्रीन मिलता है। आपने अगर मेरा इकोनॉमिक क्लास का वीडियो देखा होगा ना, उसमें तो काफ़ी छोटा सा स्क्रीन होता है, इसका स्क्रीन साइज भी देख लो कितना बड़ा है। और अभी देख लो वेलकम ड्रिंक भी मिल गया। वेलकम ड्रिंक में 2 ऑप्शन था, एक एप्पल जूस और दूसरा ऑरेंज, तो मैंने एप्पल लिया है। और बाकी यहाँ पे देख लो काफ़ी कुछ दिख रहा है, ये सारा रिमोट कंट्रोल है, इससे आप अपने इस स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट आप लाइट वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो, किसी अगर अटेंडेंट को बुलाना है तो उसको भी बुला सकते हो। पैसेंजर अनाउंसमेंट इन प्रोग्रेस, ये देख लो मैं लाइट के लिए यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, ऊपर देखना है ना। और हेडफोन भी एकदम नया है देखो, ओ भाई साहब। इसके अलावा आप देख लो अपना फोन वगैरह भी चार्ज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सीट को भी ना अच्छे से आप रिक्लाइन कर सकते हो, ये मैं दिखाऊंगा आपको कैसे क्या कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पे एक साइड लाइट भी मिल जाता है, ये हमारे ब्लॉगिंग में बहुत काम आएगा देखो। बाकी यही सब है अभी तो फिलहाल। और नीचे तो भाई लेग स्पेस इतना ज्यादा है, देख लो आराम से ना, मेरे को लगता है सीट को ना मैं बेड भी बना सकता हूँ, इतना बढ़िया है। रुको मैं दिखाता हूँ, फिलहाल अभी अपना ड्रिंक इंजॉय करते हैं। यहाँ पे देख लो श्रीलंकन एयरलाइन का लोगो भी है, अभी तक तो भाई कमाल का लग रहा है, कमाल का लग रहा है अभी तक। ऑलराइट, तो देख लो ये वाला जो सीट है मेरा है, ये लवली का है। अच्छा सीट वहां से भी तुम रिक्लाइन वगैरह कर सकते हो, देखो एक बार ऊपर वाला क्लिक करना, हाँ ऊपर वाला दबाओ, दबा के रखो। ओहो ये बेड बन जाएगा हमको लग रहा है पूरा, ये तो पूरा ही हो गया भाई लिटरली। ये ना लॉन्ग जर्नी के लिए मस्त है, एकदम बेड बन चुका है ये सही है। हम जैसे गरीब लोग तो इसमें खेलते खेलते घर चले जाएंगे। बाकी देख लो चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी है, और यहाँ पे तुमको वो USB पोर्ट भी मिल जाएगा। इसका ट्रे टेबल पता है कहाँ पे है, ये देखो ये इसका ट्रे टेबल है, देखो ये है ना ऐसा, ये अभी बस ऐसे चाय कॉफी रखने के लिए, ये देखो। तो ये इनका ट्रे टेबल है यहाँ पे, सही है ना, अलग ही है ना, मतलब डिजाइन वगैरह सब कुछ काफी अलग है। कैसा ऑरेंज जूस, एप्पल जूस तो काफी कमाल का है, ऑरेंज जूस कैसा है? तो एप्पल जूस तो मैंने मस्त एंजॉय किया, कमाल का है। मैं सोच रहा हूँ एक गिलास और भी मांग लूँ। और अभी देख लो ये हॉट टाल दिया इन्होंने, ये सब का क्या किया जाता है मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मुंह ही पोछ लेता हूँ मैं। ये सब अमीरी चोचले हैं भाई, अमीरी चोचले। अपना क्या है भाई, पूरा ऐसे पानी मारो मुंह पोछो हो गया काम, फ्रेशनेस तो आ जाता है जो भी बोलो इससे। थोड़ी देर में हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं, मम्मी को कॉल कर देते हैं। और सीट तो भाई अच्छा खासा रिक्लाइन हो जाएगा, लेकिन एक घंटे के फ्लाइट में क्या ही रिक्लाइन करूं मैं। मैंने देखा है जितना भी इंटरनेशनल फ्लाइट होता है ना, तो वो क्रू आपको नहीं बताते हैं उस सेफ्टी गाइडलाइन के बारे में, लाइक आपको कैसे बेल्ट पहनना है, ऑक्सीजन मास्क कैसे यूज करना है, ये सब कुछ स्क्रीन पे ही आ जाता है देख लो। यहाँ पे अभी हमें मेन्यू मिल चुका है खाने का। हाँ भाई अभी हम लोग बिजनेस क्लास पैसेंजर है, तो खाने का मेन्यू तो मिलेगा ही, इंडियन कोलंबो। तो वीडियो को पॉज करके देख लेना क्या क्या है यहाँ पे, तो इसमें से मैं कुछ भी ऑर्डर कर सकता हूँ, कुछ भी। तो यही है भाई देख लो श्रीलंकन बिजनेस क्लास का फायदा, देख रहा हूँ मैं क्या ऑर्डर कर सकता हूँ। वेजिटेरियन का भी ऑप्शन है देख लो, वेजिटेरियन चॉइस। वैसे अपना जो फ्लाइट है ना रनवे पे भी आ चुका है देख लो, यहाँ से कुछ ऑर्डर करते हैं। वैसे वीडियो पॉज करके देख लो, काफी सारा ऑप्शन है यहाँ पे। बस थोड़ी देर में हम लोग टेक ऑफ करने वाले हैं। जय माता दी। और वैसे देख लो यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन आ चुका है। अभी यहाँ का लोकल टाइम हो रहा है 9:57, कोलंबो का भी सेम ही टाइम हो रहा है, टाइम जोन अपना सेम ही है। इन्फॉर्मेशन इंग्लिश, चलो माई फ्लाइट। मेरे को भाई एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं चाहिए, मैं यही सब देखते रहता हूँ, कैमरा मैप कनेक्ट यही सब। कैमरा भी लगा हुआ है, देखते हैं कैमरा कहाँ का है, कैमरा साफ है कि नहीं। ओहो कैमरा भी साफ है यार, एकदम फ्रंट साइड में लगा हुआ है कैमरा। इसको अभी बंद कर देते हैं। और हम लोग देख लो थलाई मनार होते हुए ही जाएंगे। ऑलरेडी मैंने राम सेतु का वीडियो बनाया हुआ है, तो देख लेना आप लोग जाके। तो हमारा आज का डेस्टिनेशन है कोलंबो, लेकिन कोलंबो से भी आगे हमें कैंडी जाना है। ये जो मैं मैप देख रहा हूँ ना, जो बिजनेस क्लास में हमें मिला है, ये थोड़ा एडवांस है जो हमें इकोनॉमी में मिला था।
ऐसे हम लोग जूम नहीं कर पा रहे थे उसको। अच्छा आपको व्यू भी मिलेगा कॉकपिट से, अभी कैसा व्यू मिल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख लो कॉकपिट से अभी ऐसा व्यू मिल रहा है इंटायर रूट। चलो ये इंटायर रूट है हमारा, ये तो लाइक 3D व्यू आपको मिलेगा। 58 मिनट्स में हम अपने लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। लाइव न्यूज वेदर भी आप देख सकते हो। इंटरटेनमेंट में मैं देखता हूँ क्या क्या है। वैसे तो मैं, मेरे को कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप आ रहे हो तो देख लो मूवी गेम ऑडियो सब कुछ मिल जाएगा। मूवी क्या क्या है देख लो भाई, आपको काफी सारा मूवी मिल जाएगा। ऑल मूवी एक्शन ड्रामा फैमिली मूवी काफी सारा है। और ये अच्छा लग रहा है यार, ये स्क्रीन का जैसा टच है ना और जैसा इनका बना हुआ है ना, मतलब मजा आ रहा है चलाकर। क्वालिटी भी काफी अच्छा है। अभी मैं इनके हेडफोन का साउंड क्वालिटी चेक कर रहा था, ये भी काफी बढ़िया है। और पिक्चर क्वालिटी भी भाई ये एक नंबर। फ्लाइट को टेक ऑफ किए हुए मतलब मुश्किल से 5 या 10 मिनट भी नहीं हुआ होगा, ये हमें प्रॉपर मील मिल चुका है। कटलेरीज देख लो भाई साहब, इसमें टूथपिक भी मुझे दिख रहा है, एक साथ में डेजर्ट आइटम भी है भाई। देख कर ही बहुत टेस्टी लग रहा है ये तो, और टेस्टी होगा भी, मजा आ रहा है। मेरे को तो बाहर देखने का मन ही नहीं कर रहा है, मैं मैप में देखते ही देखते जा रहा हूँ सब कुछ। मैं सच बता रहा हूँ इस टाइप के फ्लाइट में ना मतलब लॉन्ग जर्नी करके मजा है, मतलब सब कुछ देखते हुए जाओ टाइम पास करते हुए जाओ, बोर भी नहीं हो गए आप। बाकी ये तो अपना मिल ही चुका है, तो चलो टेस्ट करते बताते हैं टेस्ट कैसा है। लवली का कैसा है, लवली दिखा दो तो एक बार। ये देख सकते हो ये मैरिनेट चिकन जो मैंने ऑप्शन लिया था वही इसमें, ये डेजर्ट है और ये ग्रेवी, उसके साथ ये चिकन ब्रेस्ट, पनीर, राइस। यहाँ पे तो ये मेरा आ गया, ऊपर से मैं ये MS धोनी मूवी एंजॉय कर रही हूँ। तो देख लिया आप लोगों ने लवली को क्या मिला है, उसने क्या लिया है, उसने साथ मसाला चिकन कुछ ऐसा लिया था। वैसे यहाँ पे देख लो आ भी गया ब्रेकफास्ट सर्व शॉर्टली, तो ये ब्रेकफास्ट है भाई। चलो कटलेरीज निकालते हैं, इतना अच्छा से इन्होंने सजा कर दिया है ना, खराब करने का मन ही नहीं कर रहा है। पहले तो अपना ये लैम ट्राई करते हैं, ये तो देख कर ही बहुत बढ़िया लग रहा है। इसमें डिप करते हैं, मजा आ गया पूरा ना, मतलब मसाला भरा हुआ है अंदर में। अगर आप ध्यान से देखोगे ना लैम के अंदर में गार्लिक भी है चिली भी है, काफी अच्छा लग रहा है। जितना ये पैसा लेते हैं ना उतना टेस्टी खाना भी देते हैं। ये गार्लिक ब्रेड भाई ये ना थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मेरे को गार्लिक ब्रेड लगा, ये थोड़ा क्रिस्पी है जैसा टोस्ट होता है ना वैसा है, लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा है। ये जो है ना इसको ऑलिव ऑयल के साथ टोस्ट किया गया है, और ये तो खैर है ही असली जादू कर रहा है ये चटनी इनका। मजा आ गया भाई मजा आ गया। ऑलराइट तो देख लो खाना ऑलमोस्ट मेरा कंप्लीट हो गया है, अभी डेजर्ट में खा रहा हूँ। ये डेजर्ट भी बहुत बढ़िया लग रहा है, और थोड़ी देर में बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। वैसे देखा जाए तो हम लोग श्रीलंका एंटर कर गए हैं, मुझे यहाँ से कोस्टल दिख भी रहा है लेकिन आपको दिखेगा नहीं। ये कम्प्लीट करते हैं फिर वॉशरूम भी जाते हैं, तो वॉशरूम दिखाते हैं आपको। ऑलराइट तो हम लोग देख लो, एक तो काफी छोटा फ्लाइट है ना, तो अब लैंड भी करने वाले हैं हम लोग। ये अभी हम लोग जाफना के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं, और ये लवली को मिला था, कैसा लग रहा है? इसके पास टाइम भी कम है, जल्दी जल्दी खाना होगा। बाकी ये देख लो राइस वगैरह है यहाँ पे। अब दिखाता हूँ मैं इनका वॉशरूम। ऑलराइट तो अभी मैं श्रीलंकन एयरलाइन के वॉशरूम में आ गया हूँ, और वॉशरूम देख लो इनका छोटा सा वॉशरूम है लेकिन देख लो एकदम नीट एंड क्लीन, यहाँ पे सैनिटाइजर मिल जाएगा आपको। बाकी ये मिरर काफी अच्छा लग रहा है, लाइट्स वगैरह फिट है ना, काफी बढ़िया लग रहा है। डेंटल किट भी मिल जाएगा, ये शेविंग किट, शेविंग करने के बाद वो जो होता है ना आफ्टर शेव, वो भी है। बहुत कुछ है भाई, सब कुछ है। ये देख लो बॉडी लोशन वगैरह सब कुछ है। नो डाउट वॉशरूम छोटा है लेकिन है काफी कुछ इसके अंदर, वो मेरे को एमिरेट्स का याद आ गया। ये नीचे वाला कैमरा ऑन है ना, तो मैं नीचे का पूरा देख पा रहा हूँ, बाकी कैमरा से अच्छा मैप ही है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिखाया, ये तो वोमिट बैग आपको मिलता ही है, साथ ही ये क्या है इन्फॉर्मेशन। अच्छा ये अगर आप कुछ ऐसा पूरा बिहेवियर करते हो तो, होता है ना फ्लाइट अटेंडेंट के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं काफी लोग, तो उनके लिए है। बाकी यहाँ पे आप अपना कुछ हैंग कर सकते हो, ये हैंग के लिए भी दिया हुआ है। और ये देख लो अभी हम लोगों ने थलाई मनार भी क्रॉस कर दिया जब मैं वॉशरूम में था, और इसको आप देखो बाहर भी निकाल सकते हो, तो सारा कंट्रोल आप इधर से भी कर सकते हो देख लो। बाकी तो बस अब हम डिसेंट करने स्टार्ट कर चुके हैं, थोड़ी देर में लैंड भी कर जाएंगे। ये जो हेडफोन था ना, हेडफोन के अंदर में ये स्टिकर था, ये अगर आप चाहते हो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे तो ये आप स्टिकर लगा दो। ये स्टिकर आपको लगाना कहाँ है मैं बता देता हूँ, ये जो आपका सीट है ना आपको यहाँ पे ये स्टिकर लगाना रहेगा, देखो आराम से रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्या है पुश, ये वाला। ओहो
आप आराम से देख लो इसको, आप ऐसे करके बैठ सकते हो। ये आर्म रेस्ट भी अलग से बना हुआ है, ये सही है, बढ़िया है यार। मतलब मन नहीं भरा मेरा, मैं सच बता रहा हूँ, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भरा। मेरे को मन कर रहा था थोड़ा देर और जर्नी रहता हमारा, कम से कम 2-3 घंटे का फ्लाइट होना चाहिए था। बाकी चलो भाई, थोड़ी देर में हम लोग लैंड भी करने वाले हैं। 10 बजे हम लोगों ने टेक ऑफ किया था, अभी देख लो कितना हो रहा है, 10:50 हो रहा है। काफी छोटा सा फ्लाइट है, मैंने बताया आपको, अगर ब्रिज वगैरह बन जाए ना हम लोग बाई रोड भी आ सकते हैं आराम से। देख लो बस लैंड करने वाले हैं हम लोग कोलंबो एग्जैक्टली 1 घंटे में। ये रनवे भी दिख रहा है मुझे। ओ भाई ये कैमरा वाला सिस्टम ना काफी बढ़िया है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये हुआ लैंड हम लोग। ओहो लैंड कर गए फाइनली, वेलकम टू श्रीलंका। वैसे अभी लोकल टाइम जो है ना वो 11 बज रहा है, अपने कैब ड्राइवर भी बाहर आ गए होंगे, तो फटाफट इमिग्रेशन करवा के सिम एक्टिव करवा के निकल जाएंगे हम लोग। और बिजनेस क्लास है तो शायद सामान भी हमारा पहले ही आ जाएगा। मैं बता दूं, ये जो फिट्स एयर आप देख रहे हो ना, मेरा जो टिकट था इसी में बुक था। लास्ट टाइम में ना फिट्स एयर ने क्या किया, फ्लाइट को रिशेड्यूल कर दिया, इसलिए मैंने ये वाला फ्लाइट बुक किया श्रीलंकन एयरलाइन, और मुझे बिजनेस क्लास में अपग्रेड मिला। हमें बस से जाना पड़ेगा शायद, एरोब्रिज अवेलेबल नहीं है। मेरे को ऐसा लग रहा था कि बिजनेस क्लास में ज्यादा लोग है नहीं, लेकिन अभी देखो काफी लोग है भाई। एक्चुअली ऐसा है ना, ऊंचा ऊंचा सीट है ना, किसी का सर दिख ही नहीं रहा था। बाकी ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा? कमाल का, बहुत अच्छा। मेरे को मजा नहीं आया, बोलो क्यों? इतना छोटा फ्लाइट में मजा नहीं आया, और लंबा होना चाहिए था भाई। मैं सोना चाहता था इसमें, थोड़ा सा खाना पीना एंजॉय करना। बेचारे तो खाना भी ठीक से नहीं खा पाई, थोड़ा जल्दी ये ऐसे भी थोड़ा धीरे धीरे खाती है तो चलो कोई नहीं, वैसे वर्थ था भाई वर्थ। अब एक काम करते हैं, निकलते हैं, बैगेज क्लेम करते हैं, इमिग्रेशन करवाते हैं पहले, तो उसके बाद मिलते हैं। तो बिजनेस क्लास में होने का एक और फायदा क्या मिला हमें, सबसे पहले हम लोग बस में आ गए और जहाँ मन चाहो वहाँ बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अपना फ्लाइट है, और ये फ्लाइट ने धोखा दे दिया भाई हमें, फिक्स एयर था ये हमारा, पहले हम लोग इसी से आने वाले थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं। ये देख लो बस अपना पूरा खाली है, पहले इन्होंने क्या किया, बिजनेस क्लास पैसेंजर को ना बस में बैठा दिया, अभी बहुत सारा सीट खाली था, फिर मैं देखा गेट बंद क्यों हो गया, तो हाँ बिजनेस क्लास पैसेंजर को ये अलग बस से भेजते हैं और इकोनॉमी क्लास पैसेंजर को अलग बस से। मेरे को ये ठीक नहीं लगा, अगर है जगह तो भेज दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, रश मत करो, जितना सीट है। हाँ लेकिन यही बात है, जिसके लिए आप पैसा दे रहे हो तो प्रायोरिटी पूरा मिल रहा है आपको। ये भाई होता है भाई बिजनेस क्लास, इसमें फील हो रहा है कि हम बिजनेस क्लास में जर्नी कर रहे हैं हम लोग। ऑलराइट तो देख लो अभी हम लोग गए इमिग्रेशन के लिए, तो अभी पता चला हाँ एक अराइवल कार्ड है वो फिलअप करना पड़ता है, हमें याद था लेकिन हम लोग भूल गया था, चलो फटाफट फिलअप करते हैं। चलो जी फाइनली अपना इमिग्रेशन हो गया डन, और मेरे साथ तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन लवली को मिल गए थे एक बंगाली ऑफिसर, पूछ रहे थे कोलकाता, मैंने कोलकाता के बारे में पूछ रहे थे। वैसा देख लो ये ड्यूटी फ्री श्रीलंका का, लेकिन हाँ यार हमें वो इंडियन फ्लैग का ना मैग्नेट कहीं नहीं मिला, ना चेन्नई में मिला ना कोलकाता में मिला। मुझे अभी करेंसी भी एक्सचेंज करवाना है, बैगेज भी क्लेम करना है, बहुत सारा काम है। ऑलराइट यही अपना फ्लाइट था, देख लो श्रीलंकन एयरलाइन UL122 चेन्नई, और अपना लगेज बस आने ही वाला है। अभी टाइम देख लो 11:30 हो रहा है, देखते हैं कितने देर में आता है अपना लगेज। भाई अभी तो सामान आना स्टार्ट हो गया है, और मैं जब भी मतलब ये लेके दूसरा टाइम है मेरा श्रीलंका में कोलंबो में, ये इस टाइप का ना वो देख रहे हो ना पैकेट बना हुआ, मतलब जो माल होता है ना, माल जो पैक करवाते हैं वो बहुत दिखता है। लेट्स सी अपना लगेज कब आएगा और कितने देर में आएगा, जबकि देखो इसमें कोई ऐसा प्रायोरिटी टैग वगैरह कुछ भी नहीं लगा हुआ, फिर भी ये पहले आ रहा है। लास्ट टाइम तो मुझे याद है ऑलमोस्ट 1 घंटे हम लोगों ने वेट किया था शायद। ऑलराइट तो देख लो प्रायोरिटी टैग होने के बावजूद ये जो हमारा लगेज है 11:47 में आया, जो कि मैं बोलूंगा जल्दी आ गया भाई। अभी कस्टम क्रॉस करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं। ऑलराइट तो अभी हमारा सारा कुछ हो गया है, लाइक बैगेज मिल चुका है हमें, निकलते ही देख लो आपको मैंने बताया था बैंक ऑफ सिलन यहीं से मैं एक्सचेंज करवाता हूँ, ये काफी अच्छा रेट देते हैं। बाकी US डॉलर का रेट आपको हर जगह अच्छा मिल जाएगा, आप चेक कर लेना फिर भी, और सिम वगैरह का भी सारा तामझाम वहाँ पे देख लो। फाइनली अभी हम लोगों ने एग्जिट कर दिया एयरपोर्ट, और देख लो भाई साहब को आपने देखा ही होगा हमारे ब्लॉग में, यही लेने आए हमें, चलते हैं अभी कैंडी। कैंडी 3.5 आवर, ओ माय गॉड लॉन्ग ड्राइव है।
ये अपना प्यारा दुलारा कार कितना घुमा है हम लोगों ने इससे। चलो अब एक काम करते हैं, सारा लोड करवाते हैं, यही है श्रीलंका का एयरपोर्ट। लो जी फाइनली अभी एयरपोर्ट से हम लोग निकल चुके हैं। लो जी ये देखते ही देखते ऑलमोस्ट हम लोग कैंडी के आसपास पहुंच गए। ये चला गया कैंडी रेलवे स्टेशन। लो जी फाइनली अपने होटल पहुंच चुके हैं, यही अपना होटल है, क्या नाम है होटल का, होटल स्विस। और ये होटल मिलने का एक रीजन भी है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। हमारा किसी और ही होटल में बुकिंग था, उस होटल वाले ने कैंसिल कर दिया, क्यों किया वो मैं बाद में बताऊंगा। ये होटल भी ठीक ही लग रहा है देखकर। हाँ जी तो हम लोग होटल अभी पहुंच गए और यहाँ पे ना सीन क्या है, देखो ये वीडियो ना आप लोग बाद में देखोगे क्योंकि इससे पहले आएगा मैच वाला ब्लॉग जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा। अभी जैसे कि हम लोग आए हैं रेस्ट करेंगे, फिर अभी जाएंगे थोड़ा स्टेडियम विजिट करेंगे, फिर टीम इंडिया जिस होटल में रुका हुआ है ना उस होटल में भी हमें जाना है और स्टेडियम भी जाना है, स्टेडियम के अंदर तक अलाउ है हमें जाना, जा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। वो सब आप नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेना, लेकिन हाँ वो जो मैच वाला ब्लॉग है ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा। तो चलो ये फ्लाइट वाले ब्लॉग को यही पे एंड कर। और रहा बात कि ये जो फ्लाइट है मैंने कितने में बुक किया, तो मैं बता दूं इस फ्लाइट को मैंने नॉर्मली इसका जो इकोनॉमी क्लास है वो मैंने 8.5 या लगभग 8,000 में बुक किया था। फिर मुझे श्रीलंकन एयरलाइन की तरफ से एक मेल आता है, आप अपना जो सीट है उसको अपग्रेड करवाना चाहते हो बिजनेस क्लास में तो आप बिड कर सकते हो। तो बिड क्या होता है मैं बता दूं, एक लिंक मिलता है, वो लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे अपना टिकट नंबर डालोगे, लास्ट नेम डालोगे, तो उसके बाद ना एक बिड वाला ऑप्शन खुल जाएगा। बिड मतलब जैसे कि मतलब वो बिड रहेगा $100 $80 $90 ऐसा करके रहेगा, वो एक ड्रैग करने का ऑप्शन रहेगा, या तो आप ज्यादा कर सकते हो कम कर सकते हो। तो मैंने एकदम कम किया जो कि मुझे 85 या $80 दिखा रहा था पर टिकट, जो कि होता है अराउंड 7,500 से 8,000 रुपए, तो मैंने उसी पे बिड कर दिया। फिर उसके बाद आपको अपना क्रेडिट कार्ड डिटेल देना पड़ता है, वो पैसा माइनस नहीं होगा लेकिन डिटेल आपको देना पड़ता है। जैसे ही कंफर्मेशन आ जाएगा वो जो मेरा बिड है वो एक्सेप्ट किया जा चुका है, मतलब मेरे को मिल गया है बिजनेस क्लास, तब आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा डिडक्ट हो जाएगा। तो यही कुछ सिस्टम है इनका। फाइनली मेरा भी यही लगा, कितना मतलब 7,000 से 8,000 रुपए लगा मेरा बिजनेस में बिड करवाने का, 8,000 रुपए का फ्लाइट, अराउंड 16,000 रुपए का ये बिजनेस क्लास था। और आपको पता है जो हम लोग इंडिया में लाइक विस्तारा या फिर एयर इंडिया का बिजनेस क्लास करते हैं वो होता ही है 20-22,000 रुपए का, तो 16,000 रुपए थोड़ा मैं बोलूंगा कमी है, और इससे कम में भी मिल जाता है मैं बता रहा हूँ, अगर आपका लक अच्छा है तो कम में मिल जाएगा। तो चलो ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।